नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं नेवर सेटल वाईटी। आज की वीडियो में हम आपको पेटीएम एंड्रॉइड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से क्यों रिमूव किया, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, ये 100% सच है कि पेटीएम एप्लीकेशन को गूगल ने आज यानी कि फ्राइडे को अपने प्ले स्टोर से रिमूव किया है, जबकि ये एप्पल का प्ले स्टोर में अभी भी मौजूद है। इस पर गूगल ने पेटीएम एप्लीकेशन को रिमूव करने की वजह ट्वीट करके जानकारी दी है कि इट डज़ नॉट सपोर्ट एनी गैम्बलिंग एप्लीकेशन, दिस एक्शन हैज़ बीन टेकन ऑन पेटीएम ड्यू टू वायलेशन ऑफ गैम्बलिंग पॉलिसीज। मतलब होता है पेटीएम के गेम्स पेज में जब आप जाते हो ना, तो वहाँ पे आपको बहुत सारी ऑनलाइन कैसीनोस गेम्स जो कि आपको बेटिंग का देता है, ऑनलाइन कैसीनो गेम्स वहाँ पे आपको बहुत सारा देखने को मिलता है जो कि गूगल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। साथ ही गूगल की वाइस प्रेसिडेंट सुजैन फ्रे ने उन्हें यह भी लिखा है कि हम ऑनलाइन कैसीनोज अलाउ नहीं करते हैं और ना ही किसी गैम्बलिंग एप्लीकेशन को बढ़ावा देते हैं। ऐसा कोई भी एप्लीकेशन जो कि जुआ के भांति काम करता हो, वैसा कोई भी एप्लीकेशन को गूगल बढ़ावा नहीं देता है, ना भी उनको अलाउ करते हैं। इस पर पेटीएम ने जानकारी दी है कि बहुत जल्द ये वापस अपडेटेड पॉलिसीज़ के साथ कम बैक करेगी। आप लोग को ऑलरेडी पता है कि इंडियन गवर्नमेंट ने 116 चाइनीज़ एप्लीकेशन के साथ पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट को बैन किया है लास्ट वीक, बट पेटीएम को बैन नहीं किया। इसमें आप लोग को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, आपका पैसा सेफ है। पेटीएम ने यह भी जानकारी दी है। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, साथ ही लाइक और कमेंट भी करें। थैंक यू।